दस बज गया ना, साढ़े दस। अभी है टाइम देखिए, ग्यारह बजने के बाद अगर कोई बोलेगा कि मस्तान हमारा माय बहिन नहीं देखा है, जरा चलिए आप नचा के दिखा दीजिएगा, हम आपको 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे, तो नहीं जाएंगे। 4 बजे सवेर से लेके 11 बजे तक, सवेर के टाइम कोई भी सांप अपने मन से निकल के चराई करेगा, हवा पिएगा, और जब धूप गर्मा जाएगा 11-12 बज जाएगा तो बिल में समा जाएगा। 11 बजे तक नचाते पकड़ते, 11 बजने के बाद अपना स्थान पर मंदिर में ताली बजाइए, यही काटा है। कोई आदमी तंग उंग नहीं करना, 11 बजे तक हम दिखलाते हैं, पकड़ते हैं। एक बार बोलिए नाग बाबा की जय। बहुत आदमी के बांट दिए, दवा मिलेगा बार बार, नाग नागिन का प्रसाद मिलेगा, यही काटा है। ताली जरा बजा दीजिए, बजाइए जरा एक बार। यार जहरीला ऐसे काटा था, कैसे काटा था दुश्मन, केला गाछ कैसे काटा था ऐसे, एक बार इनमें लगाएगा नाग शक्ति में दौड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलिए नाग बाबा की जय। इसमें नेवले वाला भड़ा है लकड़ी, लगाएगा एक खपकान, तू काल है तो नेवला महाकाल है, और महाकाल नहीं रहता तो आपको काल के बस नहीं कर सकते, दौड़ेगा नहीं, वही ला तो दे दी हो कि मस्त हो जाएगा। कैसे काटा था भोलेनाथ, कैसे दौड़ के काटा था, कैसे काटा था, ऐसे काटा था, सब सब कलेजा पकड़ पकड़ के रोने लगा, बोला मस्तान इतना गुण है बीन में, ऐसे ज्यादा निकल के नाच रहा था अदगम। बोला मस्तान मान गए, आज तक हमारे गांव में ऐसा बीन वाला कोई नहीं आया था। लगाएगा एक बार, बहुत आदमी के बांटे, कोई आदमी 4 गो 5 गो 3 गो 6 गो 7 गो सब लिया। इनमें पहला काम यही करेगा कि जो आदमी खेत जाते हो, इतना बड़ा सांप निकल के हवा पी रहा है, आपका माय बहिन नहीं देखा खेत में, और सच्चा बताइए अगर डायरेक्ट जाके अगर ऐसे पैर पड़ जाएगा, बोलिए काटेगा कि नहीं काटेगा, जरा बोलिए ना भाई। अरे मेरा गुरु का कहना कि नेवला का प्रसाद अगर रहेगा बाह में गला में, और कोई भी सांप को अगर खेत में जंगल में चौंप देगो नहीं काटेगा, एक काम। और दोबारा काम क्या मिलेगा, पुराना घर से निकल के रात के हवा पिएगा गली में, पुराना ईटा से निकल के रास्ता में हवा पिएगा। आप हीरो बन के जा रहे हो, ये जीरो बन के कहीं पे खड़ा है, और नहीं देखे अगर ऐसे पैर पड़ गया तब तो कहानी बन जाएगा हुआ। ऐसे पैर पड़ जाएगा ना रात में, बाबा का प्रसाद रहेगा नहीं काटेगा, दो काम। और तीनवा काम का बताएंगे, ऐसा सांप आपके ईटा में है, आपके घर में है, मारो नहीं, एक लोटा पानी लाओ, एक लोटा पानी में नाग बाबा के प्रसाद डुबाओ, और एक लोटा पानी जहां तक आपको शक है कि यहाँ यहाँ घुरता है, वो एक लोटा पानी को छीट दो, और मेन गेट में काला कपड़ा में सी के इनको द्वार पर बांध दो, ये घर से निकल के भाग जाएगा, नहीं रुकेगा।
जैसे एक लोटा पानी में इनको डुबा दीजिएगा और पानी अपने जहां तक आपको सका वहां तक छिड़ दो और काला कपड़ा मिसी के द्वार पर लटका दो, ये घर से भाग जाएगा। फायदा बताएं, तीन एक फायदा बच गया, ताली बजाइए जरा। सांप माथा पर तिलचुल का दाग है ना भाई, एक काम और मिलेगा, जवान आदमी हो कमाने वाला, हल्ला नहीं करिए, जवान आदमी हो कमाने वाला, कोई लांघन चीज लांग लिए मन नहीं लगता है कमाने में, दिल दिमाग शांति नहीं है, बिसहरी का नाम लो, एक गिलास दूध में नाग बाबा के नाम लेकर डुबाओ और वो दूध पी जाओ, गला में पहन लो, जाओ काम पर, ये कच्चा देवता है। कोई जैसे जवान आदमी कमाने वाला, कोई लांघन कपड़ा लांग दिए मन से कमाते कुड़ते नहीं हो, दिल दिमाग अच्छा नहीं रहता है, जवान आदमी के एक पौवा दूध में डुबा के दूध पिला दो, गला में पहना दो, बुलंद हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा है, 1000-2000 खर्चा करके पढ़ाते हो कि पढ़े अच्छा से, पढ़ने वाला बच्चा कोई गंदा कपड़ा लांग दिया, कोई लंघन चीज लांग दिया, मन से पढ़ता लिखता नहीं है, शर्माता तरह करता है, पगला तरह करता है, एक गिलास बासी पानी में डुबाओ। पढ़ने वाला बच्चा अगर कोई गंदा कपड़ा लांघन कपड़ा लांग दिया, मन से पढ़ता लिखता नहीं है, वो पढ़ने वाला बच्चा के एक गिलास बासी पानी में डुबा के पानी पिलाओ, गला में पहना दो, मन से पढ़ेगा नाग बाबा का नाम से। फायदा बताया खत्म, ताली बजाइए, अब जरा दूसरा नाग मिलेगा। एक बार बोलिए नाग बाबा की जय, भोलेनाथ की जय। चढ़ी ना लेना, बोले हैं ना, बैठिए हंसिए, मजा मजा करो, मजा मजा करो। अरे आपका देखिए कितना थोरस आपका है, हमारा कौन थोरस यहाँ, थोरस की बात है, अरे कुछ हो जाएगा आपको जाने देगा, हमारा क्या है यहाँ, कोई नहीं है, क्या है कुछ नहीं, घबराइए ना भाई साहब, ऐसे हम भगिया माता कर कटोरा हाथ में रही, कुछ ना होई कटोरा छूटी तब सा देखन लगा, हिम्मत मान के बैठिए, क्या डर है, डरिएगा आज भर बाबा बैठा है, आपको बोसली दिए थे, लाइए बोसली, हम कहा बोसली, आइए इधर आओ, अरे यहाँ का बुढ़ा सब डरपोक मान गए बैठिए हम भैया, जवान सब तो हेवी सब है, मगर थोड़ा ना ना इसको कोई भी देखिए बुढ़ा पूरा भाई, अच्छा जा उधर पसंद ले ले ना, बुढ़ा सब नाम खराब कर रहा है गांव के, बोले ऐसे लंबा हाथ कर कुछ नहीं होगा, ऐसे करिए ना आप बड़का कर एक बार बोलिए नाग बाबा की यार, हंसिएगा नहीं, अगर ये नाग बाबा निकलेगा दिल से आशीर्वाद देगा, अब कोई भी काम पर जाइएगा नहीं, कच्चा देवता सारा भगवान तो पत्थर हो गया, ये नाग देवता अगर दिल से आशीर्वाद दे देगा ना, आप कोई भी अपना काम करिए नाग बाबा आपका साथ रहेगा, दौड़ धूप करिए, दुकान खोलिए, कोई भी अपना जो रोजी रोटी भगवान देगा नसीब से उसमें आपको साथ देगा, मगर दिल से प्रणाम कर लीजिएगा, हंसी हंसना नहीं, कोई भी हंसेगा आपने हंसिएगा। Yeah.
देख लो जड़ी का शक्ति, यह शक्ति की नहीं है जड़ी में। प्रेम से बोलिए नाग बाबा की जय, भोलेनाथ की जय। मन में प्रणाम कर लेना भाई, प्रेम से बोलो नाग बाबा की जय। बैठे बैठे रहो बैठे, एक बार बोलो सब आदमी नाग बाबा की जय, भोलेनाथ की जय। ताली बजाओ सब मन से लगे, ताली बजाइए सब। साफ रहेगा ना, कुछ नहीं होगा। प्रेम से बोलिए नाग बाबा की जय। सब आदमी बोलिए काट लिया नहीं, बोलिए कुछ कर दिया नहीं। अरे शिवरात्रि दिन है ना, तीनों हीरो पहुंचता जो भी नामी है चल रहा है, सब नाग बाबा को पैसा देता है बाबा धाम में, बोलेंगे कि आइए पहन लीजिए नाग बाबा के गला में। कोई नहीं पहनता है, शौक से प्लास्टिक वाला पहन लेगा, या खेसारी लाल निरहुआ पवन सिंह तीनों ना पहुंचता है शिवरात्रि दिन बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए। एक हमारा घर तो हुए न है, प्रेम से बोलिए नाग बाबा की जय, भोलेनाथ की जय, बोलिए नाग बाबा की जय। या नाग बाबा दोस्त के रोजी में, रोजगार में, कमाई में, घर में नाग देवता साथ देना, दुआ देना नाग बाबा। अगर बहुत सच्चा आत्मा इनका है। कल एक आदमी अदगन कुकुड़ किया बोला बा, है सच्चा आत्मा है दोस्त, उसको देंगे हमें वो तांत्रिक। बैठ जा नाग बाबा, कहता जड़ी में शक्ति नहीं है, देखिएगा शक्ति है, देखिए एगो निकालिए तो आप, एगो निकालिए ना, एक बार सब आदमी जरा बाना हाथ खोल दीजिए, या नाग बाबा जरा भी शक्ति देखा दे, सब आदमी जरा बाना हाथ खोल दीजिए।